अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों। 3:30 बजे आँख खुली है, तहज्जुद की नमाज पढ़ी है और फिर सोच रहे हैं कि अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी गैस, अभी आ जाएगी। 4 बजने को है, अभी तक गैस नहीं आई है। एक पूरा दिन परेशान होते हैं गैस नहीं होती है तो। और अब सहरी के लिए उठे हैं और चाय रखी है, सोच रहे हैं कि अभी आ जाएगी, कोई बात नहीं अभी आ जाएगी, अभी भी गैस नहीं आई। अब हम क्या करें, सबर करें, क्या करें, और कितना सबर कराएगी ये गवर्नमेंट हमें। ये है आज की हमारी 8वीं सहरी जो हम करने को जा रहे हैं बिना गैस के, और बहुत से इलाकों में गैस नहीं होगी। हमसे ज़्यादा लोगों ने सबर किया होगा, हम समझ सकते हैं, मगर ये बहुत ही बुरी बात है, बहुत अफसोस का मकाम है कि जहाँ तमाम मुल्कों में रिलीफ दिया जाता है, ग्रॉसरी पे रिलीफ दिया जाता है, हर चीज़ पे रिलीफ दिया जाता है और आसानियाँ पैदा की जाती हैं मुसलमानों के लिए, वहाँ पाकिस्तान का, कराची का ये हाल है बिल्कुल। ये लीजिए कल्ली सहरी, ये थी आज की हमारी सहरी। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा वक्त है अल्लाह पाक गुजार देता है और गुजर जाता है, और रोज़े अल्लाह के लिए रखे जाते हैं और अल्लाह के लिए रखेंगे, और भूख और प्यास का ही नाम है रोज़ा, और अपने नफ्स पे काबू करने का नाम है रोज़ा। तो बस आज की सहरी ये थी हमारी, और इंशाल्लाह फिर सुबह मिलती हूँ आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज अफ्तारी स्पेशल में मैं गैस तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैरिनेट करके रख रही हूँ, और इंशाल्लाह गैस आ जाएगी तो फिर मैं पकाने की तरफ भी चली जाऊँगी। अभी मैं थोड़ा सा मैरिनेशन कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ चपली कबाब, और चपली कबाब के लिए मैंने थोड़ा सा चर्बी वाला कीमा ले लिया है, और ये मेरे पास कीमा है, और इसमें मैं इन्ग्रीडियंट्स में डालूँगी प्याज। प्याज मैंने पीस के चॉपर में कर ली है प्याज को, और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो मसला नहीं है, बिल्कुल बारीक प्याज को काट लें और कीमे में ऐड कर दें, और इसमें आप ऐड कर दें ये वाले सारे मसाले जिसमें हरी मिर्च है, लहसुन अदरक है, गरम मसाला है, नमक है, हल्दी है, और लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, और ये हरी मिर्चें हैं, इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर डाल रही हूँ ये थोड़ा सा चपली कबाब का मसाला भी, जो हमें ऐसा नहीं कर देता है, और चपली कबाब के पैकेट को डालने के बाद कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये मेरे पास शान वालों का था जो मैंने डाला है, और अगर आप ये ना डालना चाहें तो इसमें बहुत आसान से इंग्रेडिएंट्स है, इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दें। अगर आप चपली कबाब का मसाला नहीं डालना चाहते तो इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालें, ज़ीरा डालें, कुटा दरदरा सा धनिया डालें साबित, और गरम मसाला डालें। गरम मसाले में काली मिर्चें हैं, लौंग है, और बादियान का टुकड़ा है, और ये जो दालचीनी जो है वो डाल के इसको पीस लें, बहुत अच्छी तरह से पीस लें, और ये भी आप डाल सकते हैं, और बाकी मैंने कुटी हुई मिर्चें और ये तो डाली हैं सारी इसके अंदर, तो बस यही डालना है और कोई इतना नहीं है। बाकी अगर आप चपली कबाब को थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं बाहर का तो थोड़ा सा टेस्ट जो है वो इन्हांस हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब हमें डालना है ये आटा, आप चाहें तो मैदे का आटा भी डाल सकते हैं, और ये जो आपका जो रेगुलर आटा होता है चक्की का वो भी डाल सकते हैं, और अगर आपको चपली कबाब में ये नहीं डालने आटे तो फिर आप इसके अंदर डबल रोटी के 2 स्लाइसेस ले, और डबल रोटी के 2 स्लाइसेस को लेकर आप इसको पानी में भिगो दें, और फिर अच्छी तरह हाथ से निचोड़कर और इसको भी आप डाल सकते हैं। ये मैं आटा डाल रही हूँ, ये मैदे का और मेरा जो रेगुलर चक्की का आटा है वो मिक्स है दोनों इसमें, तो मैं ये डाल रही हूँ इसके अंदर, और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 अदद अंडा। अंडा मैं 2 भी डाल सकते हैं, अगर आपका ज़्यादा कीमा है तो आप 2 अंडे भी डाल सकते हैं। ये मैं 1 डालूंगी अभी, और फिर देखूंगी कि अगर बहुत ज़्यादा गीला है या पचपचा नहीं हो रहा है तो फिर मैं दूसरा अंडा डालूंगी, वरना ये 1 अंडा जो है वो काफ़ी हो जाएगा, आधा किलो में बहुत हो जाएगा, आधा किलो कीमा है मेरे पास तो 1 अंडा काफ़ी हो जाएगा। और मैं इसमें डालूंगी टमाटर,
अब मैं इसको अच्छी तरह से हाथों से मिला लूंगी। अब मैं इसको सबको बहुत अच्छी तरह से मिला लूंगी। थोड़ा सा चर्बी की साइड से कीमा लिया करें, और बाज लोग ना तलते भी इसको चर्बी के तेल में है, मतलब जैसे चर्बी को फ्राइंग पैन में डाल के तलते हैं, तो आप तो घरों में तो हम चर्बी हमारे पास नहीं होती है, तो फिर आप नॉर्मल ऑयल में जो भी आप यूज करते हैं तलने के लिए उसी आप ऑयल में तल लीजिए। आप नमक की मिकदार और लहसुन अदरक की मिकदार को सही से डालेंगे ताकि इसका एक टेस्ट डिवेलप हो। अगर आप चपली कबाब का मसाला डालते हैं तो फिर उस वो भी नमकीन होता है थोड़ा सा, तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपने आप डालिए सारी चीज़ों को। ये अच्छी तरह मिलाने के बाद धनिया टिक्का निकाल देंगे। अब आप इसमें एक मुट्ठी जितना भर के धनिया डाल देंगे, अच्छा सा धनिया डालेंगे इसमें, इसकी एक अच्छी सी खुशबू हो जाएगी धनिया की, और फिर आप इसको अच्छी तरह से मिला। आधा किलो कीमे में जो है दो दरमियानी प्याज काफी हो जाती है, एक जो बड़ी साइज की प्याज होती है वो भी काफी हो जाती है, बस इतनी बहुत हो जाती है। एक बड़ी प्याज डाल दें या दो छोटी दरमियानी प्याज जो होती है वो डाल दें तो ये काफ़ी हो जाती है। इसमें मैंने तीन टमाटर डाले हैं दरमियाने, आधा किलो कीमे के लिए तीन दरमियाने टमाटर भी वो काफ़ी हो जाते हैं। घर की रूटीन के हिसाब से आप ये इतने कि आधा किलो कीमे में इतना बहुत हो जाता है, और फिर वरना फिर कीमा एक तरफ हो जाता है और जो टमाटर और प्याज होती है वो फिर एक तरफ हो जाती है, तो फिर आप इसको इसी हिसाब से बस डालें। कमर्शियल जो है वो फिर कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, मगर वो इस हिसाब से होता है क्योंकि उनके पास कीमा भी ज़्यादा होता है तो वो इस हिसाब से डाल रहे होते हैं। ये देखिए एक बहुत ही अच्छा इसका बिल्कुल परफेक्ट बैटर रेडी है। इसमें अंडा, डबल रोटी, आटा सब आप डाल सकते हैं, इसमें सब डल गया है और ये हमारे पास एक अच्छा सा बैटर रेडी। अब मैं इसको कम से कम जैसे अफतारी अभी मेरा टाइम बताओ टाइम क्या हुआ, 2 बजे अभी, तो अब मैं इसको 5 बजे तक रख लूँगी। 5 बजे के बाद मुझे इसको बनाना है, तो तकरीबन 2-3 घंटे मैरिनेट अच्छा सा हो जाएगा, तो मैं इसको कवर करके रख दूँगी और फिर मैं इसको आपको ऑयल में तलूँगी, फ्राई करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। आज मैं बना रही थी पराठा रोल, तो मैंने चिकन के क्यूब्स ले लिए थे, काट के साफ़ सुथरे धो लिए थे और इसमें कुछ मसाले लगा लिए थे, लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक और चाट मसाला और सब डाल के, टिक्के का मसाला, दही डाल दी थी इसके अंदर और कुछ मसाले ऐड करके थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था, क्योंकि गैस तो थी नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं मैरिनेट ही कर लेती हूँ। और सुबह मैंने ये सब काम करके अपना थोड़ा सा वक्त बचा लिया था ताकि जैसे ही गैस आए, गैस तकरीबन 3:30 बजे आई है दोपहर को, सहरी से रात से गई हुई, रात के 8 बजे से कल से गई हुई, और सहरी में भी नहीं थी लाइट। और फिर मैंने दही बड़े आज बनाने का सोचा, तो दही फुल्कियाँ मेरे पास रेडीमेड रखी हुई थी, क्योंकि मैं बनानी तो मुझे आज दूसरे टाइप के दही बड़े थे, मगर लेकिन गैस ही नहीं थी, तो फिर मैंने बड़ी वाली फुल्कियाँ ले ली। दही को अच्छी तरह फेंट के इसमें चीनी डाल दिया, थोड़ा सा दही को इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा नमक भी डाला था, दही में नमक डाल देते हैं तो दही का एक अच्छा सा टेस्ट हो जाता है। और फिर दही फुल्कियाँ मैंने पानी में भिगो दी थी और चीनी भी डाल दी थी दही में, और जब दही फुल्कियाँ सोख हो गई थी पानी में तो फिर मैंने इसको निकाल के निचोड़ के दही डाल दी थी इनके ऊपर। थी आलू की कचौरी, तो आलू की कचौरी को मैंने आलू को उबाल के और इसको मैंने कांटे से ही थोड़ा मोटा मोटा सा कूट लिया था, और इसको बारीक करके थोड़ा सा मैंने इसमें इमली का पेस्ट डाल दिया था, आप चाहें तो लीमू भी डाल सकते हैं, और मैंने इसमें कुछ मसाले डाल के, धनिया डाल के इसमें इसका एक बैटर रेडी कर लिया था। और बैटर रेडी करने के बाद मैंने इसकी हल्की फुल्की सी गोलियाँ बना ली थी, गोलियाँ बहुत ख़ास गोल नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी रफ सी होनी चाहिए और अंदर से थोड़ी खाली खाली सी रहें। और इसके बाद फिर मैंने इसका बैटर भी रेडी कर लिया था, साथ ही मैं पराठे का आटा गूंद रही थी और मैंने इसका डो रेडी कर लिया था, और मैं पराठे के लिए छोटी छोटी रोटियां बेल रही थी, और साथ मैंने इसको सेक ली थी हल्का हल्का बिल्कुल तेल डाल के, और मैंने चिकन भी रेडी कर ली थी, उसमें कोयले का धुआं डाल दिया था, और मैंने रोल बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाए थे, सिर्फ बाहर देने वाले बना लिए थे, बाकी मैंने कहा था इन लोगों को कि खुद मैंने चटनियाँ बना दी हैं तो जिसको खाना हो रात तक वो खुद ही अपना अपना रोल बना के खाता रहे, तो मैंने हॉट पॉट भर दिया था पराठों का और इसका बैटर भी
चिकन का मसाला भी बना के रख दिया है। इफ्तारी ड्रिंक में बना रही हूँ कस्टर्ड का शेक, तो मैंने ये थोड़ा सा कस्टर्ड बनवा लिया है, थोड़ा पतला बनवा लिया है बिल्कुल, और अब मैं इसको जार डालूंगी जूसर में, क्योंकि ये फ्रीज में ठंडा हो गया था तो थोड़ा थिकनेस आ गई है इसमें, और बिल्कुल पतला बनाना है इसको, बिल्कुल इसको पतला रखेंगे तो आपको ये जार में डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी मैं इसको जार में डालती हूँ। और ये आपको थोड़े से दूध में सिर्फ इसके 4 छोटे चम्मच या 2 टेबलस्पून जितना इसको बिल्कुल पतला सा एक बैटर थोड़ा सा तैयार कर लेना है, जितने आपके रिक्वायरमेंट है इतना। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ दूध, दूध में इसलिए डाल रही हूँ कि हमारा मलाई बलाई वाला दूध होता है, तो बलाई वाले दूध में थोड़ी थोड़ी बलाई के थोड़े थोड़े स्पॉट्स होते हैं, तो इसलिए इसको पतला करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ। और मैं आप इस एक शेक की शक्ल दे दूंगी, अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये चीनी, आप चाहे तो चीनी 7 पीस दें, और ये मैं डालूंगी इसके अंदर चीनी, उसको अच्छी तरह से मैं डालूंगी चीनी को, 7 पीस दें तो अच्छा है, मैं अभी यहाँ पे प्याली रह गई तो मैं भूल गई हूँ चीनी की, आप 7 ही पीस दें इसको, दूध के अंदर ही डाल के जैरी के अंदर डाल के पीस दें। अच्छी तरह हल हो जाने के बाद आप इसके अंदर डालेंगे ये तुक मुलंगे, तुक मुलंगे मैं रमजान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने का इसलिए कहती हूँ कि सीने में जलन आपकी रोजा अफ्तारी के बाद जो आप पकौड़े समोसे या जो भी फिटर्स खाते हैं, तो इस फिटर्स की जो एक तेजाबियत होती है वो आपके कलेजे को नहीं लगती, आप इसबगोल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, और तुक मुलंगे का इस्तेमाल करेंगे तो आपका रोजा भी एक तकवियत से गुजरेगा और एक रोजे में भी आपको एक सुकून रहेगा। और एक अच्छा सा हमारे पास ये, इसको ज्यादा हिलाएंगे क्योंकि इसके ऊपर झाग है अभी, तो हम इसको हिलाते रहेंगे अच्छी तरह से जब ये हो जाएगा। ये हमारा एक बहुत ही फर्स्ट जो है वो ड्रिंक रेडी है, शेक रेडी है कस्टर्ड का, और अब मैं इसमें डालूंगी जेली के चंक्स कर लूंगी, जेली का चंक्स थोड़े बारीक करूंगी इसमें, आप कोई भी कलर की जेली ले सकते हैं, रेड ग्रीन कोई भी, मैं चाह रही थी इस वक्त ग्रीन जेली बनाना लेकिन मेरे अभी सामान में से ग्रीन जेली नहीं निकली है तो वो भी मुझे मंगानी पड़ेगी, और फिर मैंने येलो जेली को प्रेफर किया इसमें, इसको आप रफ से इसके आप चंक बना लेंगे, छोटे हो बहुत बड़े मुंह में ना आए, छोटे छोटे चंक हैं। आपको मैं एक इसमें ऑप्शन भी देती हूँ, अगर आप इसमें फालूदा भी जमा लेते हैं, कलर कलर वाला फालूदा भी जो अगर अगर होता है, कलर वाले भी मिलते हैं अगर अगर, तो अगर ये भी जमा लेते हैं मीठा करके चीनी वाला तो वो भी बेस्ट रहता है जेली की जगह पर। और आप इसमें ये डाल देंगे, चबली कबाब का भी मसाला रेडी था और मैंने फ्रिज से निकाल लिया था, और साथ साथ मैं गोल बनाती गई और बैजवी से गोल बना के गरम तवा हो गया था तो मैं साथ साथ इस पर डालती गई, और रोटी रोल भी मैं देने के लिए बाहर साथ साथ तैयार कर रही थी और चटनी डाल रही थी। मगरिब का वक्त होता है तो फिर मुझे प्याज नहीं पसंद इसमें, तो मैं अफ्तारी के लिए फिर रोल में प्याज नहीं डालती, और जिसको पसंद होता है फिर रात को खाना खाता है तो डाल देता है, मैं सिर्फ चटनी और केचप और मायोनीज और ये वगैरह डाल के और इसके रोल। आज मैंने बनाया था कस्टर्ड और जेली वाला शरबत, और इसकी रेसिपी भी मैंने आपको दी है, तो बस मैं ये भी साथ साथ पोर कर रही थी ग्लास में, और मेरी अफ्तारी भी बिल्कुल रेडी थी, साथ साथ अफ्तारी की टेबल भी लग रही थी, और आसिफ साहब को मैंने कहा मैं आज बहुत थक गई हूँ, आज आप दुआ कीजिए, तो दुआ
कबूल करवा। आमीन। ये बना लो ये दुर खुशूस नहीं कि जो मेरे बनाए नहीं के नेकी से भरपूर तरीके से नेकी बता दो। अल्लाहुम्मा आमीन। ये जिन जिन जो 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 करदार है मुझे इस सवाल में करते। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह का विजय भी दर्ज हो या ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाहुम्मा आमीन।